शादा। दूसरी एनिवर्सरी ए प्लस की हम सबको मुबारक हो, क्योंकि हम सब इस टीम में हिस्सा हैं ए प्लस का, और बहुत खुश नसीब हैं कि हम ए प्लस के लिए काम करते हैं और हम उसकी पूरी टीम है। 2 साल हो चुके हैं और पूरे 12 बजे इंशाल्लाह ताला खैर ऑफिस से एक केक जो है वो कटेगा इंशाल्लाह, और आप लोग साथ होंगे, दुआएं देंगे खैर ऑफिस से। आज जो कॉल करे वो भी हमें विश करे, और साथ साथ जो मेहमान हैं उनसे भी अब ज़रा बातचीत शुरू करते हैं। दूसरी एनिवर्सरी आज ए प्लस की, आपने तो बहुत ज़्यादा काम किया ए प्लस के साथ, क्या कहेंगे? इट्स ग्रेट कि फाइनली हमारे यहाँ पे होना शुरू हो रहा है कि मोर एंटरटेनमेंट चैनल्स आ रहे हैं। न्यूज़ इनफ, बहुत अजाब सुन दिया, अब एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। ए प्लस इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मैंने ए प्लस का काफ़ी काम भी किया, इंटरव्यूज़ वगैरह तो होते ही रहते हैं, बट देन अगेन एक सिटकॉम था जो मैंने किया था ए प्लस के लिए, बहुत पसंद आया था मुझे वो एक अच्छा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था। So it was fun. It has always been fun. I wish them all the very best of luck for their endeavors to come. अच्छा नुमान, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, लोग सीरियस एक्टिंग की तरफ पहले आते हैं क्योंकि सीरियस एक्टिंग लोग समझते हैं चलो ठीक है थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है, मगर जो हंसाना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक काम होता है। आप डायरेक्ट एक्टिंग की तरफ आए तो एक मुश्किल पहलू ही आपने चूज़ कर लिया कि डायरेक्ट हंसाना मुस्कराना? मेरा ख्याल है कि जितना सीरियस कॉमेडी को करना होता है उतना सीरियस होने वाली एक्टिंग को करना नहीं होता, बिकॉज कॉमेडी टेक्स टाइमिंग्स, उसके अंदर पंच लाइंस का एक टाइम होता है डिलीवर करने का, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपने पूरे जिस्म से वो करनी होती है, नॉट ओनली विद एक्सप्रेशन। कुछ दफ़ा तो ऐसे होता है कि बहुत सडल एक्सप्रेशन जो होता है वो भी काम करता है, तो इट टीचेज यू मोर। और मैं आई ट्रूली बिलीव इन एंटरटेनिंग पीपल। जब टाइम आएगा कि मुझे लगेगा कि आई शुड डू समथिंग सीरियस, तो आई विल डू दैट, बट देन अगेन अभी के लिए आई बिलीव के यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो अच्छा अभी जिस तरह से वैसे आप बैठे ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी बहुत बुजुर्ग से बात कर रही हूँ, कोई अंकल बैठा हुआ है सामने, कोई बिल्कुल नहीं हो तो साईं आपने बोला था ना, बताएं जरा क्या बोला। इस पूरे रमजान में इस तरह कोई नहीं बैठेगा, हम आपको साईं नुमान बोल सकते हैं। साईं नुमान दुआ करानी हो किसी ने तो आ जाए। अच्छा आज सारे दुआएं लेने वाले हैं, आज आपके जो बिल्कुल बाजू में बैठी है ना वो दुआ करा के उठेंगी आपसे। अच्छा अगर आप उनको दुआ देंगे तो कैसे देंगे? सपोज चलो अब बात हो रही है दुआ की, तो फिर ये सवाल मेरे दुआ ये मैं जो हर एक को एक दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे बच्चा। अभी मैं साईं बाबा बना। अच्छा साईं बाबा बन गया। हाँ, साईं बाबा ऐसे ही करते हैं। सड़कों पे सिग्नलों पे इस तरह से इशारों पे इस तरह की दुआएं मिलती हैं। नहीं सिग्नल से सड़कों पे ना सबसे बुरी दुआ क्या मिलती है? हाँ। आप अपनी डेट पे भी जा रहे हो ना अगर इकट्ठे साथ, तो उन्होंने ये कहते हैं बहन तुम्हारी जिंदा रहे, सदका उसका दे दे, माँ का कर देना, भाई बहन फौरन है, और भाई बहन जा रहे हो तो उनको साथ कपल बना देते हैं। बहन से भी पूछ लेते हैं बोल नहीं कहता बोलनी वो कह रही है बोलनी। अच्छा भाई तुम तो इनकार कर दो बहन नहीं, अगर आपने इनके लिए कोई दुआ करनी हो तो क्या करेंगे? भाई के लिए दुआ कैसे करोगे? चलो नहीं भाई को अभी रहने दें, भाई को अभी रहने दें, बाद में ये सो जाएगी। हाँ वैसे भाई भाई मगर भाई भाई हटा दें, भाई भाई हटा दें, दुआ अच्छी दी है भाई, सिर्फ अपना बाल लंबे करें। मेरा कोई भाई नहीं, मेरा एक ही भाई है जो घर बैठा हुआ। अरे वाह, बाकी सब कलीग्स हैं, बाकी सब फ्रेंड्स हैं। अरे वाह, वैसे जावेद जी की बात भी ठीक है, नुमान साई के लिए अगर दुआ हो तो क्या होगी? नुमान साई के लिए दुआ, और क्या स्टाइल, कोई नया कोई जरा डिफरेंट चीज? नवर आज काट रहे हैं साई के लिए दुआ, आज हमारे साई फिल्म का नया नाम जा रहा है ना, नुमान साई आपकी बदौलत दुआ ली जाती है। क्या क्या कह करेंगी आप तो, क्या अल्लाह ये तुम्हारे बाल और लंबे करे नुमान साई के लिए भी। नहीं ये वो साई है जो टाइम से ठीक हो जाता है, बाल लंबे होंगे ना वैसे नुमान पड़ता है लोगों वैसे पे। नुमान गुड लुकिंग बॉय है बहुत, आई थिंक तो इसके लिए दुआ भी अच्छी होनी चाहिए। दुआ मेरे लिए एक दुआ है, मेरे लिए दुआ ये है कि मुझे हमेशा जिंदगी में मौका मिलता रहे आप जैसे बड़े और अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का, जैसे कि अभी था इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, पता नहीं था एंड वी जस्ट हैड अ कोलैबोरेशन, यहां खड़े खड़े इट वाज रियली अमेजिंग सिंगिंग। इस्तेमाई दुआ सारे हमारे ए प्लस को नुमान साई के लिए, नुमान साई दुआ कराएं पहले, इस्तेमाई दुआ हो रही है। चोली चुक चोली चुक ये तो चुकने पे आई, आप झोली ना उठाएं क्योंकि आप पूरी कायनात के लिए झोली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक झूठा पीर था, एक झूठा पीर था, वो चौक में बैठा हुआ था, उसको कोई कुछ नहीं आता था, उसको ये पता था कि झूठी पीरी में पैसे बहुत बनते हैं। तो एक सीरियस मरीज आ गई, उसको उसको कहती मेरा दर्द, मेरा सर फट रहा है दर्द से, उसको क्या, उसको उसको कुछ पता ही नहीं था, कहता इस तरह करो एक पैरासिटामोल की गोली लेके आ, उसको मैं दम करके देता हूँ। वो तो पहले ही सिर दर्द के लिए। यार सीरियस माहौल है। अच्छा आपसे भी एक सवाल बड़े मजे का। अच्छा आपका नाम है जावेद बशीर,
आपको कोई जवेद साहब कहते हैं, जवेद है? असल में ये अनपढ़ होने की निशानी है। वैसे आपको को आप करते हैं ठीक करते हैं, कोई आपको इस तरह बोलता है? नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे कंकल का नाम भी यू नो जावेद है, तो उनको लाहौर में ज्यादा लोग कहते जावेद साहब, तुसी जावेद साहब, तुसी बैठ। कल्चरल चीज आ जाती है, कुछ लोगों के जुबान के तलफ्फुज़ का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, जिसका मुझे मोस्टली यहाँ पे लोग ऐसे बुलाते हैं नुमार जावेद। बस जाने और प्यार दें, बाकी उनके जुबान से क्या आ रहा है वो कुछ और बात है, जो दिल में है वो मेन चीज़ है। अच्छा, ये जावेद का रिश्ता क्या है आप दोनों का, ये मुझे जरा इलैबोरेट कीजिए। आप दोनों ही जावेद बड़े भाई हैं मेरे, इससे बड़ा रिश्ता नहीं हो सकता। और आप देख लें, आप दोनों दो बहनें हैं और एनिवर्सरी भी है। ये आप और मुझे कह रहे हैं, ये आप और मुझे कह रहे हैं, जो मर्जी कहे बनता यही है। आप, मैं ये कह सकता हूँ आप गलत जगह बैठे हैं। अच्छा, मुझे लगता है बाकिर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, मगर बाकिर साहब आपको पता है ना कौन से वाले माइक में बोलने हैं, तो वरना बाकिर साहब ऐसे बोलते हैं हाँ जी, तो क्या माइक उतर करके। ये कि नुमान भाई के लिए ये बात करना चाहूँगा, 25-26 साल मुझे भी काम करते हुए हो गए, लेकिन नुमान भाई को पिछले मैं कुछ 8-9-10 साल से जानता हूँ। ये बड़े बाअदब आदमी है और अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी हुई है, और इज्जत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो बाअदब होते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर ऐसे हैं, ये सच्ची मुच्ची दरवेश तबीयत के आदमी हैं। वाकई, वैसे वाकई दरवेशी कैजुअल, एक बिल्कुल वो नहीं होता साईं वाली, जो आपने नाम दिया साईं, वो वाकई साईं। बात पता है क्या कि फेक होना बहुत आसान है, और तकरीबन जब सब लोग फेक हो रहे हैं और चंद एक लोगों को छोड़ के सब लोग फेक हो रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट, मैं उनके जैसा नहीं होना चाहता। मेरी एक अपनी शनाख्त, अपनी पहचान है। अब वो किसी को समझ आती है मेरी पर्सनैलिटी के यार मैं इस तरह हूँ, तो कुछ लोग ऑफेंड भी होते हैं जो फेक बने होते हैं, नहीं यार ये किस तरह बैठता है, तो जंगली आदमी है, वो देसी होता है, वो तो जंगली है, वो इस तरह वाले चक्कर। बट देन अगेन, आपकी अपनी एक इंफरादियत होती है कि आपने दिखना अलहदा है और आपकी बात भी अलहदा होनी चाहिए, खासतौर पर जिस जो काम हम करते हैं म्यूजिक का। यहाँ पे लोग मोस्टली सोचते हैं यार पॉप सिंगर्स क्या सिंगिंग को जानते क्या नहीं, बट देन अगेन आई थिंक अगर आपने पॉप सिंगिंग से आगे जाना है और आपके अंदर शर्म नहीं होगी, तो आपके काम में नहीं दिखेगी, और काम में शर्म इसको करने का फायदा। अच्छा फिजा, हाँ, वाहिद साईं है मेरे ख्याल पहला और आखिरी साईं होगा जिसकी इतनी सारी लड़कियाँ फैन भी है और आइडियल भी है। बात सही, असल में उस टाइम पे ये बन जाते मेडा साई। अरे बाबा, मेडा साई गाल बुदाई हैं उबा उड़ाड़ा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आजकल मैं ये मैं मेरी बात फेवरेट है कि जितना हंसा जाए इस दौर में कम है, उतना ही कम है, बिकॉज हर आप सो भी रहे होते हैं तो आपको खबरें आ रही होती हैं आपके कानों। इसी बात पे एक हंसी हो जाए, ओके 1-2-3 बड़े अफसोस की बात, अब सुल्तान गाने की, अबे नहीं उनकी नहीं आती, अबे नहीं कहती, अबे नहीं उनकी नहीं आती। सॉरी, राय साहब हंसते नहीं थे किसी भी फिल्म में। अच्छा, वो लड़की डांस कर करके पागल हो जाती थी, वो 200 किलो की हो जाती थी, वो सर नहीं हंसते थे, ऐसे ही बैठ रहा माशाल्लाह, लेजेंड है, दुपट्टा वापस कर रहा है क्या। अच्छा नुमान जावेद जी, राय साहब की एक्टिंग ही हो जाए, एक कोई डायलॉग हो कोई इज्जत में, मगर उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, एहतराम हम लोग क्या करें, हम लोग आर्टिस्ट लोग एहतराम क्या करते हैं। अच्छा, अब पहले अदाब एक सिटकॉम में इन्होंने उनकी एक्टिंग भी की है, किया है किसके ने, तो क्या होगा। अच्छा कैमरा किधर है, बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे कैमरे, कोई सा भी एक घर ले जाइए, ये वाला ठीक है, ये वाला सही है, कैमरे बहुत हैं, नहीं पहले वो टर्निंग बड़ी जरूरी होती है, ये टर्निंग जरूर है, ये आंखें नजर आना बहुत जरूरी है। ये ब्रिटिश सुल्तान भाई है, इसी खूबसूरत
हमारे न्यू जनरेशन के सुल्तान राही के साथ वक्त हुआ चाहता है कि जल्दी से ब्रेक लें क्योंकि हम फिर और प्रैक्टिस करेंगे नए नए लाफ्टर्स की, तो जल्दी से भड़कती हुई ब्रेक लीजिए और जल्दी वापस आइए क्योंकि यहाँ पे चांदनी हरकतें भी होना शुरू हो गई हैं बातों के साथ। आदाब अर्ज़े जी।